क्या अदिति, तुम्हारा वीर अभी तक नहीं आया? समय समाप्ति की घोषणा होने में अब केवल 2 मिनट रह गए हैं। पर मैं चाहता था कि तुम ये सब लाइव देखो। बट नेवर माइंड, टेक्नोलॉजी कब काम आएगी, तुम्हें सब कुछ फुल HD में दिखाऊंगा। तुम्हारी अदिति का लास्ट गुड बाय, और ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ टाइम रिमाइंडर होगा इस करारी हार का। हार और जीत तो गेम के एंड में डिसाइड होता है ना प्रोफेसर। और अभी तो पूरे 1 मिनट और 40 सेकंड बाकी हैं। इसका मतलब उस दिन तू ही था, तेरे सुपर पावर्स अभी भी एक्टिव है। गलतफहमी क्यों पाल रखी है प्रोफेसर? जिस तरह शेर को शिकार करने के लिए दहाड़ने की जरूरत नहीं होती, उसी तरह हीरो को तुझे मारने के लिए पावर की जरूरत नहीं है। वंस अ हीरो ऑलवेज अ हीरो। लायर, झूठ बोल रहा है तू। तेरे पास पावर्स हैं, वरना इतनी जल्दी यहां पहुंचना इम्पॉसिबल। अगर सुपर पावर्स हैं भी तो क्या? टेस्ट करेगा? एक्चुअली तू टेस्ट कर ले, चल चला खुली। वीर टेंस था, फिर अचानक गायब हो गया। बच्ची तू कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहा है। अरे यार, इतने डेडली सिचुएशन से हम लोग निकले, हाँ वापस फंस मत जाना। और अगर तू फंस भी रहा है तो एक बार बंटू भाई को नोटिस तो दे दे। हाँ, पता करना होगा, अदिति को पता होगा, उसको कॉल करता हूँ। She's not answering. इंस्पेक्टर वागले को कॉल करता हूँ। हेलो। हेलो सर। हाँ जी सर, हाय। अदिति मैम है क्या? मैडम तो नहीं है। सर मैं बंटू बोल रहा हूँ, वीर का दोस्त। अदिति मैम कहाँ है आप बता सकते हैं? पता नहीं, वीर सर आए तो थे फिर दोनों चले गए। फिर पुलिस स्टेशन आया था कब? अप्रोक्स 2 घंटा पहले। ओके ओके वागे साहब, बाय बाय, थैंक यू। यार 2 घंटे पहले पुलिस स्टेशन आया था और अचानक से यहाँ पर आ गया, कुछ तो लोचा है, सब बाउंसर जा रहा है मेरे को। बच्ची तू कुछ ना मचान करने वाला है, आई नो इट। मुझे मारेगा या अपनी हीरोइन को बचाएगा? चॉइस इज योर्स। बाय द वे, टाइम्स अप। ऑक्सीजन खत्म। तो प्यार के आगे वीर भी कमजोर पड़ गया, जिसका मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। See you, hero. अदिति, आंखें खोलो। अदिति, अदिति अपनी आंखें खोलो। कोई तो फिक्र। अदिति, क्या हुआ अदिति को? Oh God! अरे मैं डॉक्टर को बुला। हाँ चल चल। अदिति, आंखें खोलो अदिति। तुम लेटी रहो। मैं यहाँ कैसे? मैं पुलिस स्टेशन में, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? हाँ अदिति, तुम बाथरूम में बेहोश हो गई थी बेटा। वो तो अच्छा हुआ कि वीर वहां था, वो तुम्हें घर ले आए। अच्छा सुनो, मैंने चार्ली को तुम्हारे घर भेजा है कुछ तुम्हारा सामान लाने। अब कुछ दिनों के लिए तुम हमारे साथ रहोगी।
वैसे भी 15 दिन में तो एड्रेस बदलने ही वाला है। अरे मामा जी क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं अदिति, मामा जी ने बोला ना कि तुम्हें यहाँ रुकना है, फिर स्टे हियर। आप लोगों को परेशानी होगी। अब तू मेरे साथ फॉर्मेलिटी करेगी? देख बेटा, तुम्हारा कंफर्ट और तुम्हारी सेफ्टी, यही अब हमारी प्रायोरिटी। अच्छा तुम अभी चुपचाप आराम करो, ठीक है? थैंक यू मामा जी, टेक केयर अदिति, ध्यान रखो। थैंक यू। वीर तुम तो बाहर थे, फिर तुम्हें किसे पता चला कि मैं बाथरूम में? ऐसा क्यों लग रहा है एज़िफ वो यही आसपास है और मुझे देख रहा है? वीर मैं तुमसे पूछ रही हूँ। वो अदिति, बस पता नहीं क्यों मुझे सेंस हुआ कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो, तो बस तुम्हें देखने आ गया। मैं किसी प्रॉब्लम में, और वीर मुझे बचाने ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अदिति थोड़ा सैलड तो लेना ही पड़ेगा। अरे बस बस, एक काम करो, तुम गर्मा गर्म सूप पिलाओ, इट विल बी बेटर फॉर हर। ले बता, मेरे हाथ से खा ले तू। अब मामा जी अम्पल। अरे बट खाना बहुत अच्छा था सच में, थैंक यू। अच्छा ठीक है। लिसन, आज तो खाने में पीली दाल जरूर बनी है, लेकिन शादी पे आई प्रॉमिस दाल मखनी ही बनेगी। ओके चलो ठीक है, तो मेन कोर्स तुम लोग दोनों डिसाइड करो, स्टार्टर्स मैं डिसाइड करूंगा। हां क्या बोलती तू? ओके डन बंटू भाई। ओके डन। अगर 24/7 अदिति के साथ रहना है तो कोई स्टोरी रेडी रखनी होगी। जब तक वो क्रेजी प्रोफेसर उसके पीछे पड़ा है, उसकी लाइफ डेंजर में है, एंड आई हैव टू कीप हर सेफ। क्या बोलती, आगे का क्या प्लान है बच्चे? मैं क्या बोलूं, लॉन्ग नौकरी। नौकरी? ओह यू मीन अदिति की नौकरी? हाँ I'm serious. I thought you're Veer. I'm serious, Veer. Oh. Honestly, नौकरी? यार बच्चों को नौकरी वोकरी वाला आइटम नहीं है यार। तूने कुछ प्लान किया है या मतलब ऐसे ही? क्यों? मैंने तो नौकरी ढूंढ भी ली है। कल से ज्वाइनिंग है मेरी। क्या बात है? नौकरी तो एक करेगा नहीं, घुमा रहा है। बट क्यों पता लगाना पड़ेगा। वैसे कहां पर है ये तेरा नौकरी? रामनगर में। तेरा पुलिस स्टेशन भी वही है ना? लो पिकअप और ड्रॉप सर्विस रेडी मैडम। और तेरी कंपनी का नाम क्या है? वो तू इतने सवाल क्यों पूछ रहा है? तुझे मेरे साथ ज्वाइन करना है नौकरी। नौकरी और मैं, नाम नहीं बताया अब तक तूने। छाबरा एसोसिएट्स। छाबरा एसोसिएट्स। खाना खाओ। बस करो बंटू भाई, कितनी इन्फॉर्मेशन लोगे? अभी खाना खाने दो आराम से। ओके ओके गुड। तो बंटू को अंडर एस्टिमेट कर रहा है बच्ची, जिससे कभी कुछ सीक्रेट नहीं रहता। अब ये छाबरा बताएगा कि क्या छुपा रहा है तू मुझसे, और वो भी कल की कल। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग। ये रहा तुम्हारा जूस, और ये है मेरा वर्ल्ड फेमस टॉप क्लास अंग्रेजी चीले। अंग्रेजी चीले? पैनकेक्स। ओ पैनकेक्स। लेकिन आपने तकलीफ क्यों की? मैं मैनेज कर। हाँ तुम मैनेज कर लेती, मुझे पता है, लेकिन अपनी बहू कम बेटी ज्यादा के लिए ब्रेकफास्ट बनाने में मुझे बहुत खुशी हो रही। अच्छा मैंने आपके अंग्रेजी चीले के बारे में तो सुने, लेकिन आपने अभी तक अदिति की कड़क चाय नहीं पी, सो मैं आए। अरे तुम क्यों, मैं बना लेता हूँ चाय। अरे आपने तो बिना भी ये रिजेक्ट कर दी, दैट्स नॉट फेयर। अरे यार
तुम और वीर ना परफेक्ट जोड़ी हो, दोनों मेरी बोलती बंद कर देते हो। तो चाय से बोलती खोल देते हैं, राइट? ओके। चाय तो पिएगा, वन टू भाई भी पिएगा, और आज बहुत ही स्पेशल क्योंकि वन टू भाई ने अपनी भाभी के हाथों की बनी चाय पीने वाला। व्हाट इज दिस भाभी और वन टू, स्टॉप इट। गुड मॉर्निंग गाइस। ओ भाई साहब, ये वीर के शक्ल का कॉर्पोरेट अंकल कौन है सर? आप अंकल? यू लुक नाइस। थैंक यू। ओ स्टॉप इट। ओके। मैं तो भूल ही गई, मुझे देर हो रही है, मुझे भागना पड़ेगा। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। अरे नहीं नहीं, तुमने नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता कर लो, I'll go। अरे नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। अरे मिस नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तुमने बताया नहीं एड्रेस कहाँ है तेरे काम का? क्या तू भी सुबह सुबह शुरू हो गया? बताया तो था रामनगर। अच्छा एक मिनट, या तो पूरा एड्रेस बताओ या तो बिल्कुल भी कुछ मत बताओ, ऐसा आधा अधूरा नहीं चलता अपने को। सीधा बता किधर है, पूछ रहा है तो बता दो ना। कोहिनूर टावर 13th फ्लोर। आ जाना, कोहिनूर 13th फ्लोर, आ जाइए। आ जाइए। क्या बंटू भाई, आप तो भैया के पीछे ही पड़ गए, थोड़ा अकेला छोड़ दो उनको। अब भाई आप ही खुद बताओ, किसी को हीरो की लाइफ जीने के बाद एक 9 to 5 की ऑफिस की जॉब मिल जाए तो कैसा फील कर रहे होंगे ना वो। हाँ यार, ही मस्ट बी सो एम्बैरस्ड नाउ। अरे भाई अपना ध्यान रखना पड़ता ना अपने को। हाँ मेरी शक्ल क्या देख रहे हो तुम लोग दोनों, नाश्ता खाओ, खाना अपने आप नहीं ठूसने वाला है अंदर। को 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 को। शक सही था मेरा, रामनगर में कोई ऐसी बिल्डिंग है ही नहीं। मैडम आप इतना चिपक कर बैठी हैं, एक्चुअली मेरी बुकिंग हो चुकी है, 15 दिन में मेरी शादी है, बीवी पुलिस वाली है, आपको छोड़ेगी नहीं। अच्छा तो क्या मैं तुम्हारी बीवी से डरती हूँ? हाँ, और वैसे भी अगर इतना हैंडसम हीरो मुझे मिले तो मैं तो दूर नहीं रह सकती। वैसे एक बात कहूँ? कहो। तेने फॉर्मल बड़ा सूट करता। अरे हम इतनी जल्दी पहुंच गए? मेरी मोहब्बत में इतना खो गई कि ना रास्ते का पता चला और ना वक्त का। इतनी मुश्किल से तुम्हारे उस ओल्ड वीर से मुझे छुटकारा मिला था। उस ओल्ड वीर को तो मैं कब का भुला चुका हूँ। अच्छा वैसे तुमने एग्जैक्टली बताया नहीं कि तुम्हारा ऑफिस कहाँ है। अब मेरा ऑफिस बस यही आगे, आगे से लेफ्ट में और पहुंच जाओगे। आगे से राइट? हाँ राइट भी, एक्चुअली 2 रास्ते हैं, बाकी मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर हो गई है। बाय। ये देख ले भैया, लिस्ट चेक कर ले, कुछ मिस तो नहीं किया मैंने। मामा जी आपको वीर ने उसके जॉब के बारे में बताया क्या? तेरा प्रॉब्लम क्या है बट्टू? वीर को जॉब मिल गई या वीर ने तुझे नहीं बताया और उसने जॉब ले ली? अरे नहीं बताया तो नहीं बताया। देख वीर ना अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाना चाह रहा है, शादी का खर्चा, उसके बाद की प्लानिंग, जॉब ही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था। He just wants to lead a normal life. और हमें उसे क्वेश्चन करने के बजाय उसे सपोर्ट करना चाहिए। मामा जी राइट, आई मीन मैं समझता हूँ, मगर आप ना मुझे नहीं समझ पा रहे हो। आप जानते हो ना कि वीर मुझसे कुछ नहीं छुपा रहा, लेकिन वो ना जिस तरीके से अभी रिएक्ट कर रहा है ना, वो वैसे ही करता है जब वो मुझसे कुछ छुपाता है। आंखें चुराना, टेढ़े मेढ़े जवाब देना। अरे इसी को तो वेडिंग ब्लूज कहते हैं बंटू भाई। अरे शादी के पहले की नर्वसनेस, उत्सुकता। नहीं मामा जी, ये ना कुछ और है। If you smell what the zone is cooking। मामा जी वीर के ऑफिस चले क्या? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चरिया हो गया क्या? Lost it। मामा जी, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ झोल है
अगर मैं गलत निकला ना तो डबल क्या ट्रिपल क्रॉस चेक करूंगा, आई प्रॉमिस। हेलो, यस सर, एविडेंस मेरे पास है, मैं शाम तक फाइल्स भेज दूंगी। या श्योर। ये तो वीर की बाइक है, पर यहाँ पे अभी तो लंच ब्रेक भी नहीं हुआ। कॉल करती हूँ। ऑफिस टावर में नो पार्किंग, बट इस शहर में अब पार्किंग के लिए स्पेस ही कहाँ है। I'm sorry अदिति, तुमसे झूठ बोलना बिल्कुल ठीक नहीं लगता, बट सिचुएशन ऐसी है कि मैं मजबूर हूँ। अरे कहाँ है तेरी वो बिल्डिंग, कब से चला रहा है तू? मैप पे ढूंढना। नहीं मामा जी, ऐसी जगह का मैप कहाँ से लाऊं जो एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने कहा था ना आपको, ना कोई ऑफिस है और ना कोई छावरा। सबसे पहले तो छावरा का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या खुशबू आ रही है? हाँ, क्या आज कुछ स्पेशल है क्या? तुम्हारा बर्थडे? I'm so sorry अदिति, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। वीर वीर, relax, it's not my birthday. Thank God. फिर ये सब क्यों? आज कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है खाने पे। तुम्हारे रिलेटिव्स आ रहे हैं। मेरे नहीं, तुम्हारे। मेरे रिलेटिव्स? I mean, देखो अदिति, मुझे सरप्राइजेस हैंडल नहीं होते। कौन आ रहा है बताओ? अरे मतलब तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं, तुम्हारे बॉस मिस्टर छाबड़ा आ रहे हैं। तुम कहाँ मिली मेरे बॉस से? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। क्या कोइंसिडेंस था, मैं अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रही थी एंड ही वाज जस्ट देयर। फिर मैंने उन्हें कोहिनूर टावर्स और छाबड़ा बिल्डर्स के बारे में बात करते हुए सुना एंड फिर क्या, आई अप्रोच्ड हिम एंड फिर जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने इतनी स्वीटली बात की मुझसे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें खाने पे बुलाऊं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो मेरे झूठ का किसी को पता चल गया है क्या? बताओ। क्या हुआ वीर, मुझे उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था? मुझे पता नहीं था कि तुम। नहीं नहीं अदिति, तुमने बहुत अच्छा किया, इनफैक्ट मैं खुद ही बुलाने वाला था। तो वैसे कब आ रहे हैं बॉस? अरे बस थोड़ी देर में आगे। अदिति मैं रिसीव करता हूँ, तुम है ना? ओके। मेरे रिलेटिव्स? I mean, देखो अदिति, मुझे सरप्राइजेस हैंडल नहीं होते। कौन आ रहा है बताओ? अरे मतलब तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं, तुम्हारे बॉस। आगे। अदिति मैं रिसीव करता हूँ, तुम तब तक तैयारी करो। वीर बेटा,
क्या बात है, यार सो स्वीट है, योर वाइफ इज अल्ट्रा स्वीट है, हमें लंच के लिए बुलाया है आपको। सोनी कुड़ी, सोनी कुड़ी। मैं पानी लेके आती हूँ। बेटा अब तो गई नहीं, अभी जा रही है। क्या कर रहे हो तुम दोनों, खुद तो फंसोगे भी मुझे भी फंसवाओगे, और मामा जी आप भी। और जो अदिति को पता चल गया कि तेरी नौकरी और तेरा छावरा जो है सब झूठ है, तो मेरी बहू से झूठ बोलेगा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। मामा जी वो क्या है जी की टांग तो सब खींचते हैं, मैंने सोचा तेरी मंगेतर की मैं कान खींच देता हूँ। वैसे इंटरव्यू में समझ गया था मैं कि ये लंबी दौड़ का घोड़ा है, पर इसकी तो नजर मेरी चेहरे पे है। मिस्टर शर्मा हैं जी, एक मिनट साइड आएंगे, मेरे पास बात करनी है। इतनी ओवर एक्टिंग करेगा तो तू भी फंसेगा और मैं भी फंसूंगा। और तो वीर बेटा सच्चाई बता दे, हसमत तू भी फ्री मैं भी फ्री। पर तू सब बता दूंगा, बट इट्स नॉट द राइट प्लेस, और तू ऐसे बात करना बंद कर। बंद नहीं हूं ना मैंने। वैसे आपने बताया नहीं, ये कोहिनूर टावर्स तभी अभी यहाँ पे बनाया ना, तो इससे पहले आपकी कंपनी कहाँ बेस्ड थी? ओ जी, एक्चुअल फैक्ट में हम लोग ना जो हैं वो हम सब यूएसए से हैं। क्यों? लेकिन आपने मुझे बताया था कि आप तो यहीं से हैं। ऐसा कहा था मैंने? वीर पुत्र, और तेरी जो ये फैंसी है वो बड़ा इंटरोगेशन कर रही है, हाँ कहीं अरेस्ट वरेस्ट तो नहीं कर लेगी गिरफ्तार? पुत्र उन जो हूँ मैं इत्थे का ही हूँ, मेरा पुत्र जो है वो है यूएसए का। अरे बिजनेस तो उसी का ही है, हमारा क्या है, हम तो बस आते जाते हैं गेस्ट अपीयरेंस। ओके 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 ओके। पुत्र कुछ खिलाओगी या आज सिर्फ केबीसी खेलना है? ओए बॉस के जोक पे हंसा कर, वरना प्रीमोशन कैसे मिलेगा? अरे खाना भी रेडी, मैं खाना लेके आती। वर्स्ट केस सिनेरियो, आज अगर तुम्हारे हीरो ने तुम्हें बचा भी लिया तो भी तुम्हें ढूंढकर मार सकूं, इतना बैकअप प्लान तो मैं हमेशा रेडी रखता हूं। भाई स्वाद, बहुत स्वाद, हाँ एक कमाल का खाना बनाया अदिति ने, जादू है हमारे बहू के हाथ में। सॉरी अभी आपने क्या कहा? वो क्या है जी कि अब हमारे सारे एम्प्लॉय जो है वो हमारे बच्चे समान है ना, तो उस नाते आप भी तो हमारे छाबरा ग्रुप की बहू हुई। करेक्ट पापा जी। अदिति तुम थोड़ा सॉल्ट ले आओगी प्लीज, और थोड़ा पेपर भी, और साथ में थोड़ी चीनी भी। क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बनाया क्या, कुछ कमी है? ओ जी नहीं, वो बस टेबल पर रहता तो अच्छा लगता है। हाँ। ओह ठीक है मैं ले आती हूँ। अरे मामा बिरयानी के चक्कर में रायता क्यों फैला रहे हो? एक सेकंड मामा, ये क्या चल रहा है, कौन सी खिचड़ी पका रहा है तू? वीर अब यहाँ आ ही गया, और तो खाना खाओ और जाओ, क्यों लंबी कर रहे हो? बच्ची इनके रायता का छोड़, तू जो इधर पे दही जमा रहा है उसका क्या, अदिति को झूठ क्यों बोल रहा है? क्या झूठ बोल रहा मैंने? ये लीजिए सॉल्ट एंड पेपर। एक्सक्यूज मी, हेलो
हाँ स्वीटी। हाय अदिति, वो बहुत देर हो गई, अभी तक मामा जी और बंटू घर नहीं आए। क्या, मामा जी और बंटू अभी तक घर नहीं आए? कोई बात नहीं, तुम और मीठी खाना खा के सो जाओ, मामा जी को मैं देख लूंगी। ओके अदिति, टेक केयर। मामा जी घर नहीं आए, फोन करती हूँ। हाँ गुप्ता जी बोलिए। हैं, 20 करोड़? ओए मैं 20,000 करोड़ रुपए नहीं बेचूंगा। डूई लेना सिम, कंफ्यूजिंग है। ओए मैं क्या, मैं खून पसीने से खड़ी की है कंपनी मैंने, मेरे बेटे ने। अब इट मस्ट बी एन इमरजेंसी सर, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इमरजेंसी है। लेकिन ऐसे कैसे, आप लोगों ने तो पूरा खाना भी नहीं खत्म किया। भी तुम ऐसा करो, तुम इन्हें खिलाओ, मैं अभी आती हूँ। छापरा साहब हमें तो लेट हो रहा है ना। लेट्स गोइंग। वीर अदिति आज के लिए माफी, हाँ फिर कभी। अरे लेकिन वैसे काफी वियर्ड है तुम्हारे बॉस, बिल्कुल मामा जी की तरह। आई मीन वियर्ड एज इन ही स्वीट लाइक हिम। वीर, मुझे लगा तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। आई मीन तुम्हारा ऑफिस कहाँ है पता नहीं, और ऐसी कोई बिल्डिंग का मैंने नाम भी नहीं सुना अपने एरिया में। और ऊपर से कौन सी कंपनी ऐसी होगी जो अपने स्टाफ को पार्किंग के लिए स्पेस ना दे। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तुम पे, लेकिन व्हेन आई मेट मिस्टर छाबड़ा तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई एम सॉरी मैंने तुम पे शक किया। लेकिन वीर प्लीज मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस कीप लविंग मी। मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे तुम्हारी पावर्स वापस आ गई हैं। मतलब मैं तुम्हारे हीरो की पावर्स से इतना यूज्ड हो गई थी कि मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे मैं गिरी और तुमने अपनी पावर्स यूज करके मुझे बचा लिया। सो स्ट्रेंज, पता नहीं ऐसा क्यों सोचा मैंने। वीर तुम्हारी पावर्स वापस आ गई हैं क्या? वीर मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हारी पावर्स वापस आ गई हैं? नहीं नहीं, क्यों? कुछ नहीं। छी 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 छी, अपने होने वाली बीवी से झूठ बोल रहा है वीर। तूने तो इस रिश्ते की बुनियाद ही गड़बड़ कर दी। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। आदिति को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उसे, पर किसी को तो बताना ही पड़ेगा ना। किस मुंह से बताएगा वीर, आखिर प्यार ने तुझे कमजोर बना ही दिया। बट डोंट वरी वीर, तुम्हारा ये शुभचिंतक तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगा। मैं बताऊंगा आदिति को तुम्हारा सच। दिमाग ठीक है आप दोनों का, मतलब तेरी क्लास तो मैं बाद में लूंगा, लेकिन मामा जी आपसे ही उम्मीद नहीं थी।
अदिति ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसको आप में मामा जी दिखाई देते, अगर अगर उसने आपको पहचान लिया होता तो। और तू जो लंबी लंबी फेंक रहा है, क्या लंबी लंबी फेंक रहा हूँ मैं? हाँ, मैं उसे एक्सक्यूज दे रहा हूँ ताकि मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ, उसके साथ ट्रैवल कर सकूँ, लंच कर सकूँ, उसके ऑफिस के आसपास रह सकूँ, पर तू ये बात तो समझेगा नहीं। सब समझ रहा हूँ मैं, कोई जॉब नहीं है ना? हाँ नहीं है जॉब अभी मेरे पास में, पर मैं ढूंढ लूंगा किसी जॉब को। क्या जॉब जॉब लगा के रखा हुआ है? थोड़ा थोड़ा कितना दिमाग मत लगा तू। अरे सॉरी यार, देख वो तू जॉब ढूंढ रहा है ना, मस्त है ना, देख ना यूं मिल जाएगी जॉब इसको, हम सबका सपोर्ट है ना? मामा जी आप भले इसकी बातों में आ जाओ, मैं नहीं आ रहा। तेरी आंखों से तेरा माइंड रीड कर सकता है बंटो, और तेरी आंखें इस वक्त झूठ बोल रही है बच्ची, क्या वो मैं पता लगा के चिरऊंगा। पता लगाना पड़ेगा स्वीट भाई, यहाँ एकदम से ऑफिस के लिए गायब हो जाते हैं, मामा जी घर पर नहीं रहते, ऊपर से बंटू भाई भी घर नहीं रहते यार, what's happening bro? मुझे पता क्या लग रहा है, नीति मेरी गट फीलिंग कह रही है, इन सब का ना कोई तो कनेक्शन है। हो क्या सकता है, आई डोंट नो यार। ओ हाय अदिति, एक मिनट, तुम्हारे बैग्स कहाँ है? तुम तो पैकिंग करने गई थी ना? हाँ वो एक्चुअली घर पे कोई गेस्ट आए हुए थे तो इसलिए बिजी हो गई थी। स्पिंस्टर पार्टी हमारे बिना? अरे नो नो, वीर ने तुम्हें बताया नहीं कल उसके बॉस और उनके पार्टनर आए हुए थे घर पे। पार्टनर? तुम कब आए बेटा? वीर तो तुम्हें ही फोन कर रहा है, जाओ मिल लो। क्या हुआ, झगड़ा हुआ क्या वीर से? अरे नहीं नहीं जाओ जाओ मिल। क्या कर रहे थे तुम लोग, अभी पूरी प्लानिंग बिगाड़ देते। प्लानिंग? अरे वीर को अदिति को मिलने का, उसे ड्रॉप करने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का बहाना चाहिए था, इसीलिए उसने जॉब का एक्सक्यूज बनाया। समझे? अरे प्यार के आटे में नमक भर झूठ चलता है, उसे स्वाद बनता है। हाँ। देखो वीर ना कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है, हम लोग बस सपोर्टिंग एक्टर्स। हाँ मामा जी, आपने इतना सब कुछ प्लान कर लिया, उसमें इंक्लूड भी नहीं किया ना हैशटैग हार्टब्रेक। Oh you, me know you. मामा कैचिंग ईयर्स हैशटैग, सॉरी सॉरी यार गलती हो गई। अदिति को इस प्लान के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए जब तक कि वीर को जॉब नहीं मिल जाती। डील? हैशटैग डील। अब ये अंगूठी हमारे कोई काम की नहीं, सारी योजनाएं असफल हुई, सारे प्रयास व्यर्थ, परंतु अब पछताने से क्या लाभ, अब हमें शीघ्र एक नई युक्ति बनानी होगी। सोचो शुक्राचार्य सोचो, क्योंकि तुम ही हो जो शैतानी शक्ति के अग्रदूत हो, तुम ही हो जो इस जगत में बुराई को जीवित रखना चाहते हो, उसका विस्तार करोगे किसी भी हाल में। हमें वीर को जीतने नहीं देना है। शुक्राचार्य सोचो। What nonsense? फाइल्स आपसे मिसप्लेस हुई हैं। अपने झूठ को कवर अप करने के लिए ना एक और झूठ मत बोलिए। Look, मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी। All right? Just hate liars. अगर गलती हुई है तो मान लो ना, लेकिन नहीं, पहले झूठ बोलेंगे, फिर उस झूठ को कवर अप करने के लिए एक और झूठ बोलेंगे, फिर एक और झूठ। I don't get it. ऐसे लोग मुझे मेरे आसपास बिल्कुल नहीं चाहिए। I'm sorry. तुम्हें पता है ना अदिति स्वीट है, लेकिन एएसपी अदिति जामवाल थोड़ी इंटेंस है। मुझे आदत है पुरानी एएसपी अदिति की, तो सोके। पर तुमने कभी सोचा है कि जो सामने वाला तुमसे झूठ बोल रहा है तो उसकी भी कोई मजबूरी होगी, वो
क्या पता वो तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हो। उसने झूठ बोल के ना मुझे और भी डिसअपॉइंट किया है। सुनो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। एनीवे, तुम मेरे काम को छोड़ो, मैं हैंडल कर लूंगी। मुझे ये बताओ, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? लगता है कल का खाना काम कर गया। I think so. क्या हुआ? अब ऑफिस से मैसेज है, कुछ इमरजेंसी है, जाना होगा। अरे वेलकम। अरे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे? बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। कहाँ चुप के बैठा है प्रोफेसर? बाहर आ! और ये जूनियर केजी के बच्चों वाले गेम खेलना बंद कर। प्रोफेसर ना तो किसी से डरता है और ना ही छिपता है, पर प्रोफेसर को देखने के लिए एक शातिर नजर चाहिए, जो तेरे पास नहीं है बच्चे। तेरे बुलाने पे मैं यहाँ आ गया, बता क्यों बुलाया था मुझे? अरे बड़े झगड़ालू हो तुम, मैंने तो तुम्हें रियूनियन के लिए बुलाया था और तुम रिमेंस टाइप बातें कर रहे हो। हाँ होल्ड ऑन, पहले सबसे जरूरी बात, आदिति कैसी है? उसके बारे में तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। वरना क्या करोगे लवर बॉय? आज रात तक का टाइम है तेरे पास, या तो आदिति को खुद सच बता दे या उसे देख तेरी जिंदगी से जाते हुए, वरना मैं बता दूंगा। लगता है रिवीजन कराने की जरूरत है तुझे प्रोफेसर, भूल गया तेरा क्या हश्र किया था मैंने। प्रोफेसर ऊपर वाले को थैंक यू बोल वीर, जो तुझे फिजिकल पावर से बचा लिया, क्योंकि अगर लड़ाई दिमाग की होती ना तो प्रोफेसर के सामने पानी भरता तू। तेरे पास गायब मोड है ना, तो ये मेरा गायब मोड है। अब टक्कर बराबरी की है, सो कम ऑन लेट्स प्ले। वीर को बर्बाद करने की योजना मिल गई है हमें, उन अलौकिक शक्तियों के लिए उसे एक भारी कीमत चुकानी ही होगी, परंतु जो हम चाहते हैं उसके लिए एक बार फिर हमें उस घिनौने ग्रह पर उन तुच्छ मानवों के बीच जाना होगा। अच्छाई का बुराई के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। यदि पृथ्वी पर देव योद्धा वीर है तो अंधकार के सिपाही भी हैं। हमें केवल अपने साधनों का सही प्रयोग करना होगा। वीर, तुम और तुम्हारा शहर एक बार फिर संकट में आ गया। इस मौत के खेल में तुम्हारा स्वागत है मेरे हीरो। अलक निरंजन, सुना है इस घर में किसी का विवाह होने वाला है, सोचा आशीर्वाद देते चलूं। किंतु पुत्री, इस समय तुम्हें प्रार्थना की नहीं हिम्मत की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है
जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। कहीं ये तुम्हें अंदर से तोड़ ना दे। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? पुत्री सुनिए, आप अंदर कहां चले आ रहे हैं? जो कुछ भी करना है प्लीज बाहर से कीजिए। आशीर्वाद देने वाले हाथ को कभी झटकते नहीं बात। आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन प्लीज बाहर से। अदिति की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वीर ने मुझे दी है, कोई चांस नहीं ले सकता हूं मैं। चलिए चलिए बाहर। इस अपमान का परिणाम जानते हो? तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, किंतु देखना ये विवाह कभी नहीं होगा। इस घर पे आने वाले संकट को अब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अलाप निरंजन। अरे 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 भैया, हेलो, कहाँ लेकर आ गए इसे? ये किसने ऑर्डर किया है? मिस्टर रंजीत सिद्धवानी। मामा जी ठीक है, इसे यहीं छोड़ दो, जाओ। मामा जी भी कुछ भी मंगाते रहते हैं, इतना फर्नीचर कम है क्या घर में? सेफ है, चलो इसे भी जगह पे लगा ही देता हूं। क्या कर रहे हो? भारी है, मैं हेल्प कर दी, चलो। ओके थैंक यू। वीर दिखाओ। अरे कुछ नहीं, छोटी सी चोट है। तुम ध्यान से क्यों नहीं करते? मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। ओह नो, ये तो हील हो गया। अदिति देखेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लो। हेलो, व्हाट? हाँ वो डॉक्टर। अच्छा ऑलराइट, मैं चेक करती हूँ। ओके अब मैं कर लूंगा। अदिति तुम अपना काम कर लो। वीर दिखाओ मुझे। अदिति तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है, तुम उन्हें देख लो। लेकिन ड्यूटी कम्स फर्स्ट। गो, आई डू। तुम कर लोगे? हाँ, छोटी सी चोट है। ओके। बच गया। वीर मुझे लगता है तुम्हें स्वीटी मीटी के साथ थोड़ा टाइम और रहना चाहिए था। मैं चली जाती ना। ओ कम ऑन अदिति, जितना मेरे बस में मुझे करने दो प्लीज। हेलो, हाय हाय स्वीटी। स्वीटी क्या हुआ? हेलो स्वीटी, मुझे जाना होगा, तुम जाओ। ओके स्वीटी, स्वीटी मीटी, स्वीटी मीटी कहाँ हो यार? ए, कोई आगे नहीं आएगा, गोली मार दूंगा वरना मैं इसको। चले पीछे, गोली मार दूंगा वरना मैं इसको। आगे नहीं आना। लड़की को छोड़ दो। लो श्रीदेवी भी आ गई। मोगैम्बो तो ऑलरेडी यहाँ है, अब मिस्टर इंडिया भी आ ही रहा होगा। स्वीटी, स्वीट क्या हुआ भैया? तू ठीक तो है? हाँ बिल्कुल ठीक। तो तूने फोन क्यों किया था? नहीं तो, मैंने कोई कॉल नहीं किया। मीठी कहाँ? वो वॉशरूम गई है। मीठी आ रही हो? दो मिनट भैया। भाई 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 मैंने कहा था ना भी, एक दिन तू बहुत पछताएगा। काश तूने प्रोफेसर की बात थोड़ी सीरियसली ले ली होती। प्रोफेसर क्या हुआ भैया? All good? को हटा दी थी। मैडम
ये हमारा पर्सनल मैटर है, पुलिस बीच में ना आए तो बेहतर होगा। पब्लिक प्लेस पे पर्सनल मैटर सॉल्व नहीं किए जाते मिस्टर। कम ऑन, पुट योर गन डाउन, लड़की को छोड़ दो। पुलिस अगर एक कदम आगे आई तो मैं गोली मार दूंगा। गोली चलाएगा तभी तो वीर आएगा। चलाओ गोली। मतलब हीरो आ गया। बच्चे ये तू है ना वीर? क्या क्या वीर यहां? कोई मिराकल से कम नहीं था ये, बट क्यों लगा कि वीर वही था? किसी भी एंगल से सोचो और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है कि अब भी उसकी पावर्स एक्टिव हैं। व्हाट इज हैपनिंग? वीर अंगूठी दे दो वरना इसे भी संध्या की तरह। जस्ट स्टॉप, अच्छे खासे रिलेशनशिप की मौत है डाउट। वीर ने तेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, खुद को पूरी तरह बदल दिया। Just because he loves you, और तू उसकी intentions को question करके उसके प्यार को disrespect कर रही है। हाँ जो हुआ वो एक miracle ही था, that's it। बड़े बड़े criminals को हिलाने वाली आज खुद हिल गई। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। यार ये चार्ली फिर भाग गया, मुझे तो फुल टाइम शेफ बना गया यार ये। मामा जी एक सेकंड, जिस तरीके से आप टमाटर काट रहे हो ना, आपको ना पक्का मास्टर कुक के ऑडिशन देने चाहिए। क्या बोलती है पब्लिक? सही बात है, मास्टर कुक में एक दूसरे का कत्ल करते हैं। हाय हाय अदिति। हाय अदिति, आज मेरे साथ एक मिराकुलस चीज हुई, किसी ने मुझ पे गन पॉइंट की। ओ माय गॉड, तुम ठीक तो हो? वही बात है, मैं ठीक हूँ और ये तो मेरा डेली जॉब है, बट बात ये कि मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझ पे गोली चली और व्हाट? वही तो मामा जी, मैं ठीक हूँ। आई मीन गोली मेरी तरफ आई और एकदम से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। पता नहीं मैजिकली गोली मेरे साइड से निकल गई, मुझे नहीं लगी। वाओ अदिति, रियल लाइफ चमत्कार है ना मामा जी? बिल्कुल बिल्कुल। Magic, चलो अच्छा है। हाँ मेरे सारे बच्चे सही और सुरक्षित हैं। तुम लोग जाओ, मैं मस्त चाय बना के लाता हूँ। I want coffee मामा जी। बस दो मिनट में ला रहा हूँ, बैठो आराम करो। पंटू। हाँ मामा जी। कहाँ है तू? आपके सामने। इधर। आदिति के साथ क्या हुआ तुमने सुना? अरे मामा जी सुना क्या, मैंने तो देखा, बुलेट ऐसे आई और बिना टच करे चली गई। और ये काम ना सिर्फ एक सुपर हीरो का हो सकता है। बोल तो। और सुपर हीरो ना तू है, ना मैं हूँ, ना ये दो बच्चिया। मामी तो गई तो धरती दुर्बल प्राणियों से भरी हुई है, लोग अच्छाई की रोशनी में अंधे हो गए हैं। अब हमें आवश्यकता एक ऐसे मनुष्य की है जो बुराई की परीक्षा में योग्यता सिद्ध करे और फिर पृथ्वी पर तबाही का सैलाब लाए। ये मनुष्य जैसे ही हमें मिल गया तो वीर को हराना सरल हो जाएगा। क्या इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जो बुराई का प्रचार प्रसार कर सके? क्या ऐसा कोई भी नहीं जो अपने लक्ष्य के लिए सीमाओं को लांघना चाहता हो? इन तुच्छ मानवों से तो इतनी सी भी आशा रखना व्यर्थ है। क्या ऐसा कोई नहीं
जो शुक्राचार्य के मार्गदर्शन पर चलने वाला हो। उसे मैं कैसे भूल गया, मेरा प्रिय प्रतिनिधि जो पृथ्वी पर शुक्राचार्य की पहचान बनाने के योग्य है। प्रोफेसर, लगता है तुमसे भेंट करने का समय आ ही गया है। ये लास्ट बाइट तुम्हारी। थैंक यू भैया। आइसक्रीम तो बहुत अच्छी थी। वैसे ये सही है, लोग प्यार में चांद तारे तोड़कर लाते हैं, तुमने मुझे आइसक्रीम में ही निपटा दी। बहुत कंजूस हो यार तुम। अभी डिजर्ट खा लो, चांद तारे फिर कभी। मैंने तो अपना डिजर्ट खा लिया। क्या? ये स्माइल। इस स्माइल के लिए तो पूरी गैलेक्सी कुर्बान। हमने अभी बीच रोड पे डांस किया। I can't believe this. मैंने ये सब मूवीज में देखा था, बट रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब मैं करूंगी। What are you doing to me? लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं भी, but always remember, this is the weed I fell in love with. So always stay the same. Because I love this weed. How is it possible? मैं जो सोच रहा हूं उसका उल्टा हो रहा है। क्या कर रही है ये लड़की? या तो इसका दिमाग खराब है या फिर मेरा। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। मैं फिर वार करूंगा और अब की बार तेरी सारी दुनिया उजाड़ दूंगा। कि क्या हो गया भाई तुम लोगों को? मामा जी आप कुछ भी नॉर्मली नहीं कर सकते? नॉर्मल तो कुछ चल ही नहीं रहा है, तुझसे कुछ सवाल पूछने। क्या सवाल है? सब कुछ तो बता दिया मैंने आपको। हम लोगों को डाउट है कि तेरे पावर्स अभी भी तेरे पास। अरे कहां मेरे पास पावर्स है मामा जी, सुबह तो मैं काउच तक नहीं हिला पा रहा था। मुझ पे यकीन नहीं है ना तो आप अदिति से पूछ लीजिए, वो वही थी। अरे बस कर यार, इतना झूठ बोले। मैं झूठ बोल रहा हूं। हुँ? ये देख, गायब मोड ऑन। अच्छी अच्छी, तू 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 कहाँ है? हाँ, हो गया मैं गायब। आ गई मेरी सारी शक्तियां वापस। अरे देख, कोई नहीं देख सकता मुझे अब। वीर वही तो बात है, कोई नहीं देख सकता तुझे अब। देखा मैंने कहा था ना आपको। हाँ, शेर पावर्स वापस आ गए, खाली बोकर मेरे को डाउट कर रहे थे आप। वीर, वीर कहाँ है तू?
कौन हो तुम और ये हम कहां हैं? अच्छाई का अंत और बुराई की शुरुआत के बीच। इज इट अ प्रैंक? देखो अगर ये मजाक है तो बहुत अच्छा है, बट मैं बहुत बिजी आदमी हूं और मैं यहां से जा रहा हूं। अद्भुत, ना डर है इसमें और ना हल्की सी भी घबराहट। उचित आदमी को लाया गया है यहाँ, परंतु निर्णय लेने से पहले इसकी परीक्षा आवश्यक है। तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? And I don't care. अपने शब्दों को नियंत्रण में रखो। हम महान गुरु शुक्राचार्य हैं। तुम्हारे ये तेवर और आत्मविश्वास हमें पसंद है, पर इसे तुम वीर के लिए बचा के रखो। इसका इस्तेमाल हम वीर पर करेंगे। हम? पर मैं आपका साथ क्यों दूंगा? और वीर के साथ आपका क्या कनेक्शन है? हमारी आज्ञा का पालन करोगे तो सुरक्षित रहोगे। इस व्यक्ति के विषय में क्या विचार है, खास करके अब जब उसकी सारी शक्तियां वापस आ चुकी हैं? अरे ये क्या मजाक कर रहे हो यार आप लोग, प्लीज सामने तो खड़ा हूं मैं। अरे खड़ा है तो दिख के लिए नहीं रहा है। अरे ऐसे कैसे नहीं दिख रहा हूं मैं बंटू, खत्म करना है, सामने तो खड़ा हूं मैं। ओहो मामा जी प्लीज अब आप भी इसमें मत शामिल हो जाइए, बोलिए ना इसको कि मैं दिख रहा हूँ। अरे वीर अगर तू दिख रहा होता तो मैं बोलता कि तू दिख रहा है, लेकिन तू सच में इनविजिबल हो गया है। अरे ऐसे कैसे गायब हो गया मैं, ये सामने दिख तो मैं तो वाकई गायब हो गया। मामा जी लगता है वो बाहर भागा है, हमें उसे पकड़ना होगा। बच्ची बच्ची रुक जा। गायब हो गया देखता हूँ। वाह वाह बच्ची वाह। इतनी एक्टिंग क्या बच्ची, तेरे को मालूम नहीं क्या हा? कि बंटू की आंख से कभी धोखा नहीं हो सकता। और कितना हाइड एंड सीक खेलेगा बेटा? एक बात बता, अदिति को पता है? नहीं। क्या कर रहा है तू? हाँ यार वो तुझे कितना ट्रस्ट करती है, अगर पता चलेगा कितना हर्ट होगी वो, तूने सोचा है कभी? उसी के बारे में सोचता हूं मैं बंटू, तुझे क्या लगता है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है? मामा जी मुझसे सब क्यों छुपाता हूं? क्योंकि अगर उसे पता चलेगा कि मेरी पावर्स वापस आ गई है तो उसे वीर पसंद है, वीर से प्यार करती है वो इंसान जो बिल्कुल नॉर्मल और ऑर्डिनरी है। हीरो से वो बहुत नफरत करती है मामा जी, बहुत नफरत। तो अगर अब ये सब उसे पता चलेगा तो कैसे एक्सेप्ट करेगी वो ये सब? नहीं यार फिर एक बार ट्राई तो कर। नहीं बंटू मैं अदिति को नहीं खो सकता, इतना सब कुछ खोकर उसे पाया है, कहीं उसे पता चला कि मेरी सुपर पावर्स वापस आ गई है तो मुझे छोड़कर चली जाएगी जैसे पापा छोड़कर चले गए, माँ छोड़कर चली गई, सारा छोड़कर चली गई। नहीं